मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, एक छोटे से उदाहरण से कुछ बातें आपके समक्ष रखी जाएंगी। एक विद्यालय में अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि बच्चों यह बताओ, वह कौन सी चीज है जो बनी तो है दूसरे काम के लिए लेकिन उसका उपयोग किसी और काम के लिए किया जाता है। वह कौन सी चीज है जो किसी और काम के लिए बनी है लेकिन उसका उपयोग किसी और काम के लिए किया जाता है। सब बच्चे चुप रहे तो एक बच्चे ने कहा, सर मैं बताऊं? क्या बताओ? लेकिन सर, उत्तर सुन करके आप नाराज तो नहीं होंगे, मारेंगे तो नहीं? तो अध्यापक ने कहा, नहीं बेटे, नाराज भी नहीं होऊंगा, मारूंगा भी नहीं, तुम निर्भय होकर बताओ कि वह कौन सी चीज है जो बनी है किसी और काम के लिए लेकिन उसका उपयोग किसी और काम में होता है। तो बच्चे ने कहा, सर आपके हाथ में जो रूल है ना, बना है लाइन खींचने के लिए लेकिन उपयोग करते हैं हम लोग मारने के लिए। ये तो उदाहरण है। ऐसे ही हमें ये सोचना है कि हमें ये जो मानव जीवन मिला है क्यों मिला है और इसका उपयोग हम लोग किस में कर रहे हैं। क्या जिसके लिए ये मानव जीवन मिला है उसी के लिए उपयोग कर रहे हैं या अन्य काम के लिए उपयोग कर रहे हैं? यदि यह कहा जाए कि यह मानव जीवन संतान उत्पन्न करने के लिए मिला है तो अन्य पशु पक्षी जानवर भी संतान उत्पन्न कर लेते हैं। यह जीवन पेट भरने के लिए मिला है तो पेट तो अन्य जानवर भी भर लेते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे काम जो आदमी करता है अन्य जानवर भी कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जानवर में और आदमी में एक मुख्य अंतर है। जानवर एक दूसरे से बैर की गांठ नहीं बांधते लेकिन आदमी एक दूसरे से कितने बैर की गांठ बांध लेता है। कोई जानवर एक गाय दूसरे गाय से, बैल दूसरे बैल से, घोड़ा दूसरे घोड़े से, गधा दूसरे घोड़े से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। कभी कर लिया थोड़ा बहुत तो थोड़े देर के लिए, लेकिन उसको लेकर के मन में गांठ नहीं बांधता, मुकदमा बाजी नहीं करता। और आदमी उसे थोड़ा सा भी कुछ कह दो तो ऐसी गांठ बांध लेता है कि जिंदगी भर नहीं खुलती है। और मुकदमा लड़ते लड़ते कितने लोग तो जिंदगी ही बर्बाद कर देते हैं। आदमी को दुनिया का सिरमौर प्राणी कहा जाता है लेकिन आदमी अपना कर्तव्य भूल गया है, रास्ते से भटक गया है, इसलिए आज आदमी जितना आदमी से डरता है उतना किसी और से नहीं डरता है।
आज आदमी को जितना आदमी से खतरा है उतना खतरा किसी और से नहीं है। एक हॉस्पिटल के सामने सूचना बोर्ड लगा हुआ था, उसमें कुछ सूचनाएं लिखी हुई थी। तो एक दिन लोगों ने देखा कुछ सूचना बोर्ड में लिखा था कि किसको किसने काटा है और उसका परिणाम क्या है। तो पहली पंक्ति में लिखा था कि एक आदमी को कुत्ते ने काट लिया है। परिणाम में लिखा था चिंता की कोई बात नहीं है, इंजेक्शन लगेंगे, आदमी ठीक हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में लिखा था कि एक आदमी को काले सांप ने काट लिया, काले नाग ने काट लिया है। परिणाम में लिखा था स्थिति गंभीर है लेकिन फिर भी बचने की पूरी संभावना है। तीसरी पंक्ति में लिखा था कि एक आदमी को आदमी ने काट लिया है, परिणाम में लिखा था बचने की कोई संभावना नहीं है। कितना भाग गया है आदमी, जीवन क्यों मिला है, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, कुछ होश हवास ही नहीं है, कुछ ख्याल ही नहीं है। मन की तरंग में आकर, वासनाओं के प्रवाह में बह कर आदमी ऐसा ऐसा कुकर्म कर लेता है कि क्या कहा जाए। ये मानव जीवन सुख से शांति से जीने के लिए मिला है, आत्मकल्याण का काम करने के लिए मिला है, लेकिन वही काम बाकी रह जाता है और सब काम आदमी कर लेता है। खाना पीना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, एक मजबूरी है, क्योंकि बिना खाए पिए जीवन चल नहीं सकता, इसलिए खाना पीना तो मजबूरी है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आत्मकल्याण, आत्मशांति की प्राप्ति। आत्मकल्याण, आत्मशांति ये अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। आत्मकल्याण है क्या? सब समय मन में संतोष बना रहना, आनंद की अनुभूति होते रहना, कोई खटक ना हो मन में, अभाव की अनुभूति ना हो मन में, चिंता तनाव ना हो मन में, हर समय मन भरा भरा, तृप्त, संतुष्ट, सरल। क्या ऐसा है? ऐसा कहाँ है? कितने लोग हैं? और ये जो काम है, मन का सरल रहना, चिंता मुक्त रहना, प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना, बाहर की वस्तुओं से नहीं होना है। कितना धन बढ़ जाए, कितना धन बढ़ जाए, धन से कभी किसी को तृप्ति नहीं मिली है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, हजारों साल पहले उपनिषद में कहा गया है कि धन से मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता है। जितना धन बढ़ता जाता है तृष्णा उतनी बढ़ती चली जाती है, लालच उतना बढ़ता चला जाता है, और जब धन बढ़ता है तब आदमी अपने को संभाल नहीं पाता, गलत रास्ते में भी चला जाता है। ऐसे पद से,
ऐसी प्रतिष्ठा से, बड़े परिवार से मन की तृप्ति नहीं होगी। धन, विद्या, पद, प्रतिष्ठा, ये सब जीवन व्यवहार के लिए है। व्यवहार में इनकी आवश्यकता है, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। परिवार है, आदमी अकेला रह नहीं सकता। जीवन पर्यंत अपने को संभाल कर संयम से रह नहीं सकता, इसलिए शादी करता है। और शादी करता है आदमी तो उसमें बाल बच्चे स्वाभाविक हो जाते हैं, तो वह भी परिवार बढ़ाना और परिवार का पालन पोषण करना ये भी जीवन का उद्देश्य नहीं है। परिवार बड़ा होता गया और सरलता नहीं रही मन में, निश्चिंतता नहीं रही, संतोष नहीं रहा, तो परिवार क्या करेगा। परिवार बड़ा हो जाता है तो उसमें और अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। बहुतों को सहन करना पड़ता है। एक से दो जहां हुए, बिना सहन किए जीवन चल नहीं सकता है, क्योंकि जो जिनका साथ हुआ है उसका सारा का सारा विचार, उसका स्वभाव, उसके संस्कार, उसकी रुचियां, उसकी मान्यताएं, काम करने का ढंग, उठने बैठने खाने पीने का ढंग, सब कुछ हमारे मन के अनुकूल नहीं हो सकता है। हम कुछ चाहते हैं, साथी कुछ चाहता है। हमारा स्वभाव कुछ और है, साथी का कुछ और है। हमारी मान्यताएं कुछ और है, साथी की कुछ और है। और ऐसे में यदि सहन न किए, विचारों में तालमेल नहीं बैठाए, समन्वय नहीं किए, तो बड़ा परिवार तो क्या, दो लोगों का साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है। कितने घरों में देखा जाता है पति पत्नी दो ही हैं, लेकिन जब देखो तब लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को नहीं समझ पाए। गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे, एक अपरिचित लड़की, एक अपरिचित लड़का, दोनों की शादी हुई, दोनों दोनों बिल्कुल जानते नहीं, दूर दूर रहने वाले, दोनों की शादी हुई, दोनों पति पत्नी बने, इकट्ठे हो गए, दो दिन, चार दिन, छह दिन, महीना, दो महीना, एक दूसरे को न समझ पाए तो कोई बात नहीं, साल दो साल भी समझ ना पाए तो कोई बात नहीं, शादी हुए 10-25 साल बीत गए तो भी समझ नहीं पाए, अभी भी झगड़ा कर रहे हैं, ये कौन सी जिंदगी है, इसमें मूल कारण क्या है। अपना अहम, कि मैं क्यों झुकूं, पत्नी सोचती है कि मैं क्यों झुकूं, पति सोचता है कि मैं क्यों झुकूं। हमारा अहंकार हमें झुकने नहीं देता है, और जब ना हम झुके ना सामने वाले झुके, तो अहंकार से अहंकार टकराएगा, पत्थर से पत्थर टकराएगा, तो चिंगारी तो निकलेगी, आग तो निकलेगी, दोनों का मन जलेगा। शीतलता शांति किसी को नहीं मिलेगी। क्या जिंदगी इसी के लिए मिली है? पति पत्नी के बीच यदि परस्पर में दूसरे के प्रति समर्पण नहीं है, प्रेम और सेवा का भाव नहीं है, एक दूसरे को सहन करने की क्षमता नहीं है, तो गृहस्थी नरक बन जाती है। आज अधिकतम घरों में गृहस्थी नरक बनी हुई है।
दोनों जल रहे हैं। परिणाम जब पति पत्नी में लड़ाई होगी तो बच्चों में संस्कार अच्छे कैसे आएंगे, अच्छे बच्चों का निर्माण कैसे होगा, वे सुख से कैसे जिएंगे। कहीं भी हो कुछ लड़ाई होती है उसमें कारण है अहम पर टकराना। हम सब अपने अहम को पोसते रहते हैं, चाहते यही हैं कि सामने वाला अपने अहम को गला ले, अपने अहम को मार ले, लेकिन मुझे अपने अहंकार अहम को मारना ना पड़े। किंतु उस अहम को मैं और बढ़ाता जाऊं और बढ़ाता जाऊं, मेरा अहम सब पर हावी हो जाए। क्या ऐसी जिंदगी बना करके, ऐसे मन बना करके हम सुख से जी सकेंगे, कल्याण की प्राप्ति कर सकेंगे? अहम का विसर्जन शांति सुख से जीने में पहला कारण है। अहम का विसर्जन किए बिना कोई शांत सुख से जी नहीं सकता है। जिंदगी है बहुत सरल, बहुत सरल है जिंदगी, लेकिन हम लोग इस जिंदगी को उलझाते चले जाते हैं। एकदम सरल कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं जिंदगी को, उलझा उलझा करके। जीवन को उलझाएं ना, सुलझाना सीखें। उलझते उलझते तो अनादिकाल का समय बीत गया है, मिला क्या? अनादिकाल की बातें याद नहीं है, वो तो छोड़ दें। इसी जीवन में जितना जीवन का हिस्सा बीता है, उलझने से मिला क्या है? केवल अशांति, विवाद, दुख, मानसिक पीड़ा, तनाव। अब सुलझने और सुलझाने का समय आ गया है, अब तो हमें चेतना चाहिए। यदि हमारे अंदर सरलता हो, कुछ सीखने के, कुछ बनने की तमन्ना हो, तो हम अपने ही बीते हुए जिंदगी की भूलों से सीख लेकर अपने जीवन को पूरा का पूरा बदल सकते हैं। गलती आदमी से हो जाती है, गलती होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस गलती को समझना और समझ करके उसे सीख लेकर के उस गलती का त्याग कर देना, सही रास्ते में आना। एक बार गलती हुई, किसी से भी हो सकती है, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझसे कभी कोई गलती ना हुई है ना आगे होगी। आदमी है, हर आदमी हर जगह हर बात को पूरा का पूरा समझ नहीं सकता है, तो गलती हो गई, कोई बात नहीं, क्षम्य है वो गलती। लेकिन उस गलती को हम हट पकड़ करके रख लें, कहेंगे नहीं गलती ठीक है, और उस गलती के आड़ में और गलती करते जाए तो गलती नहीं, फिर वो गुनाह है। गलती क्षमा होती है, गुनाह क्षमा नहीं होता है, उसका तो दंड भोगना ही पड़ेगा। कोई न दे, अपने आप प्रकृति की ओर से दंड मिलना ही मिलना है, क्योंकि पूरी प्रकृति में कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है, और वह व्यवस्था
सबके लिए समान रूप से लागू होती है। उस व्यवस्था में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। वह व्यवस्था जो जैसा करता है उसको वैसा फल देती है। आदमी क्षमा कर सकता है क्योंकि आदमी जानदार है, उसमें जानने समझने की क्षमता है, योग्यता है, इसलिए आदमी क्षमा कर सकता है, करता ही है। लेकिन प्रकृति बेजान है, उसमें जानने समझने का कोई गुण नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। वो तो जो जैसा करता है उसको वैसा फल देती, उसके लिए साधु गृहस्थ बूढ़े बालक स्त्री पुरुष सब बराबर है। आग में हम हाथ डालें, चाहे साधु डालें चाहे गृहस्थ डालें, आग जलाएगी। ये नहीं सोचेगी आग कि ये गृहस्थ है इसके हाथ को जलाऊंगी, ये साधु महाराज इसके हाथ को नहीं जलाऊंगी, ये तो जवान है समझदार है इसके हाथ को जलाऊंगी, ये बच्चा है नादान इसके हाथ को नहीं जलाऊंगी, ऐसा नहीं सोचेगी। उसका स्वभाव है जलाना, जो पड़ जाए आग में जलाना है, क्योंकि बेजान है। एक आदमी है रोज गंगा नहाने जाता है और गंगा नहाने के पश्चात गंगा की पूजा करता है, गंगा मैया है, इसलिए गंगा की पूजा करता है, आरती करता है, वंदना करता है। वर्षों बीत गए उसे गंगा नहाते नहाते और गंगा की पूजा करते, आरती करते, वंदना करते, गंगा को प्रसाद चढ़ाते। एक दिन नहाते समय उस आदमी का पैर फिसल गया और वह गंगा की तेज धारा में बहने लगा। तो गंगा ये नहीं सोचेगी कि आदमी कई साल से मेरी भक्ति कर रहा है, इस आदमी को डुबाऊंगी नहीं, इसको तो किनारे लगा दूंगी। वो तो डुबाएगी डुबाएगी, उसका स्वभाव वैसे है, उसे पता भी नहीं है कि कौन मेरी भक्ति करता है, कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझ में थूकता है। वो तो पानी है बह रहा है, हम गंगा को मैया मान करके, माता मानकर उसकी पूजा करें, जो कुछ कहें वो हमारी भावना है, गंगा को से कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा था कि प्रकृति में सर्वत्र कारण कार्य की एक व्यवस्था है और वह व्यवस्था सबके लिए समान रूप से लागू होती है, पक्षपात नहीं करते। तो गलती हो जाना एक स्वाभाविक बात है, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन गलती पर गलती कर जाना एक गुनाह है। गलती हो गई, अब हमें उस गलती से सीख लेना है, मैंने ऐसी गलती की और ऐसा परिणाम आया, अब ऐसी गलती नहीं करना, अब जिंदगी ऐसी जीना है कि मेरी गलती सुधर जाए। अभी सुन रहे थे ना कहानी थीप चोर का, भेड़ तो चुरा लिया लेकिन जब दंड मिला तब एक आदमी उसी में रख रख करके मर गया। एक आदमी ने ऐसे अपने जीवन को बदला कि पूरा, फिर उसे कोई भेड़ चोर नहीं कहता, फिर उसे संत कहने लग गए। उन्होंने अपनी गलती से सीख ले ली। हम लोग क्यों नहीं सीख ले सकते हैं? आदमी में पूरी संभावना है, पूरी की पूरी संभावना। आदमी जैसा चाहे अपने को वैसा बना सकता है और एकदम खाई में गिरा हुआ आदमी भी पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकता है। जो आदमी सबसे
धुतकारा जाता, तिरस्कार किया जाता था, वही आदमी पूजनीय हो सकता है। रत्नाकर कहानी के अनुसार जंगल में रहते थे, यात्रियों को लूटते थे और मार डालते थे, डाकू का काम करते थे, लेकिन वही रत्नाकर जो लोगों को लूटते थे मारते थे, जब उसे सप्तऋषि मिले, उनकी संगत मिली, तो दृष्टि बदल गई, और ऐसी दृष्टि बदल गई कि रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गए। कितना परिवर्तन आया। अब रत्नाकर डाकू थे ऐसा नहीं कहा था, महर्षि वाल्मीकि हो गए। अंगुली माल जंगल में रहते थे, यात्रियों को मार डालते, हत्या करते थे, कहते हैं कहानी के अनुसार कि 999 लोगों की हत्या वे कर चुके थे। उसके आतंक से वहां का राजा प्रसेनजीत घबराता था, भयंकर हत्यारा। भगवान बुद्ध की संगत मिली और फिर वही अंगुलीमाल बहुत बड़ा भिक्षु हो गया। एक हत्यारा साधु बन सकता है, एक डाकू महर्षि वाल्मीकि बन सकता है, और कहानी के अनुसार राजा भर्तृहरि अपनी पिंगला रानी में कितने आसक्त थे, अत्यंत लंपट स्त्रैण, लेकिन ठोकर लगी तब महावैराग्यवान हो गए। कितना बदला जीवन को। यहां जितने लोग बैठे हैं सब के सब रत्नाकर डाकू से और से अंगुलीमाल हत्यारा से भतरी से सब अच्छे हैं, उतना खराब तो कोई नहीं है यहां पर। तो यहां हम लोग बैठे वहां है, हम लोग को नहीं बदल सकते अपने जीवन को। पूरी संभावना है दूसरे की गलती से सीख लें और अपनी गलती से सीख लें कि ऐसी गलती हुई, ऐसा परिणाम आया, अब इन गलतियों को कभी दोहराना नहीं है। करना क्या है, गलतियों को छोड़ते चले जाएं। साधु कौन, जो गलतियों को छोड़ते चला जाता है वो साधु हो जाता है। जो गलती पर गलती करता गया वो सामान्य संसारी आदमी, जिन्होंने गलती करना छोड़ दिया वो साधु हो गया। साधना क्या है, गलतियों को छोड़ते जाना, और गलतियों को छोड़ते चले जाएंगे ना, जो क्षेत्र रहेगा वो अच्छा का अच्छा रहेगा, बस वही साधुपना हो गया। कहीं बाहर साधुता थोड़े, एक बाहर का जो कपड़ा है इसमें साधुता थोड़े है। कपड़े में साधुता होती, कपड़ा पहन लो सफेद सब साधु हो जाता तो फिर बहुत बड़ सस्ता है, सब साधु हो जाएंगे। लेकिन कपड़ा बदलने से क्या होता है, स्वभाव बदलना चाहिए। और स्वभाव बदलने का अर्थ क्या है, गलत को छोड़ करके सही दिशा में आ जाना, यही हमारा मुख्य काम है। गलतियों का सुधार, अपने दोषों का सुधार, और फिर शेष रहेगा वो ठीक, उसी का परिणाम क्या होगा, मन की शांति, मन में संतोष, कल्याण की प्राप्ति। तो ये मानव जीवन हमें मिला है आत्मकल्याण का काम करने के लिए, पूरा का पूरा शांति और सुख से जीने के लिए। आदमी सुखी न हो तो और दूसरा सुखी कौन हो सकता है, जानवर में संभावना नहीं है, जानवर जैसा है वैसा, जानवर बिगड़ा भी नहीं है, जानवर कहां बिगड़ा है, वो सुधरता भी नहीं, बिगड़ता भी नहीं है,
बिगड़ता है आदमी, सुधरता है आदमी। जानवर शराब थोड़े पीता है कि कहना पड़े भैया शराब मत पिया करो। जानवर बीड़ी तंबाकू थोड़े खाता पीता है। जानवर चोरी थोड़े करता है, डाकर थोड़े डालता है, किसी हत्या थोड़े करता है। न बिगड़ा है न सुधरा है, क्योंकि वहां संभावना ही नहीं है। संभावना आदमी में है, इसलिए आदमी बिगड़ता है और सुधरता है। और सीख इसलिए आदमी को दी जाती है। सत्संग का आयोजन क्यों? इसीलिए कि हम अपने बिगड़े जीवन को संवार सकें, सुधार सकें। अशांति के रास्ते पर चल रहे थे, अब शांति के रास्ते पर चलें। सत्संग को परिवर्तन स्थल कहा जाता है, बदलने की जगह। तो क्या बदले? चप्पल जूता बदल कर चले जाए? कई लोग आते भी हैं सत्संग में कि चलो सत्संग में चलेंगे, किसी का नया जूता आएगा तो अपना पुराना जूता छोड़कर ले आएंगे, ऐसे लिए भी आते हैं। लेकिन यहां तो ऐसा कोई नहीं आया है। परिवर्तन स्थल, तो क्या परिवर्तन करना है? स्वभाव को। स्वभाव में क्या परिवर्तन करना है? पहले बात बात में झूठ बोलते थे, अब झूठ नहीं बोलना है, अब सच बोलना है। पहले बात बात में लड़ते थे, अब लड़ना छोड़ देना है किंतु समाधान करना है। पहले बात बात में क्रोध करते थे, अब क्रोध नहीं करना है, अब क्षमा करना है और प्रेम करना है। पहले थोड़े थोड़े में हिंसा हो जाती थी, अब हिंसा नहीं करना है, दया करना है, करना और अहिंसा का व्यवहार करना है। पहले लोभ की प्रवृत्ति थी, बटोरने की प्रवृत्ति थी, अब दान करने की प्रवृत्ति, सेवा करने की प्रवृत्ति अपनाना है। इस प्रकार से परिवर्तन करना, ऐसे बदलना है। अब बदल गया तो शांति सुख अपने आप मिल गया। मनुष्य ही कल्याण कर सकता है, इसलिए से कहा गया है कि नरक, स्वर्ग और अपवर्ग, इन तीनों की सीढ़ी है। यह सीढ़ी अपने आप में अच्छी नहीं होती, बुरी नहीं होती। सीढ़ी को कुएं में लगा लें, जमीन के अंदर चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। मकान की छत पर लगा लें तो छत पर पहुंच जाएंगे। सीढ़ी क्या है? कहां पर, कहां लगा रहे हैं? कोई पूछे ये बताओ कि सीढ़ी हमें कहां पहुंचाएगी, ऊपर की नीचे? तो यही कहा जाएगा कि लगाओगे कहां पहले। नीचे लगाओगे तो वहां पहुंचाएगी, ऊपर लगाओ तो वहां पहुंचाएगी। ये मनुष्य जीवन, इसे नरक में भी जा सकते हैं और स्वर्ग में भी जा सकते हैं। अनादिकाल से हम नरक में ही डूबे आए हैं। नरक के अलावा और क्या मिला है? नरक क्या है? मन की मलिनता, मन के पाप, मन के विकार। बाहर और कहीं नरक नहीं है। यदि हमारे मन में विकार हैं, दोष हैं, दुर्गुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या घृणा भरे हैं, तो हम हर जगह नरक में निवास कर रहे हैं। कितना बड़ा मकान हो, कितनी गाड़ियां हो, कैसे महंगे कपड़े हो, कैसे महंगे भोजन हो, मन विकारों में डूबा है, दुर्व्यसनों में डूबा है, दुराचार में जीवन व्यतीत हो रहा है, तो हमारे लिए हर जगह नरक है। और मन में सुंदर विचार चल रहे हैं, प्रेम है, दया है, करुणा है, क्षमा है, संतोष है, शांति है, सरलता है, विनम्रता है, प्रसन्नता है, तो घात की फूट टूटी झोपड़ी में रहकर भी स्वर्ग में निवास हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप मकान में रहना छोड़ करके घात की झोपड़ी बना लें और उसमें रहें, वो तो समय संयोग होता है। लेकिन कोई ऐसा है कि घास की एक टूटी झोपड़ी में रह रहा है और उसका मन प्रसन्नता से भरा हुआ है, विनम्रता है, सरलता है, कोमलता है, निर्विकार मन है, निश्चिंत संतुष्ट मन, तो उससे बड़ा स्वर्ग और क्या
कहां होगा, क्या होगा। हमें सोचना यह है कि नरक को स्वर्ग में कैसे बदले। अब तक जो हम गलत रास्ते में जा रहे थे उसे सही रास्ते पर कैसे लाएं, और सत्संग की आवश्यकता उसी के लिए। शुरू की थी मैंने अपनी बात कि मानव जीवन क्यों मिला है, उपयोग क्या कर रहे हैं। एक ही उद्देश्य मानव जीवन का, आत्मकल्याण की प्राप्ति, सुख से जीना और दूसरों की सेवा करना। आत्मनो मोक्षार्थ जगत धिताश्च, ये मनुष्य जीवन को उद्देश्य बताया गया है। आत्मनो मोक्षार्थ, आत्मा के स्वयं के अपने कल्याण के लिए, और जगत धिताश्च जगत के संसार के हित के लिए, सेवा के लिए। यदि अपना कल्याण नहीं किए और दूसरों की सेवा नहीं किए तो हमारा जीवन बेकार चला गया। माटी के मोल भी नहीं कह सकते, बिल्कुल बेकार। इसलिए हम लोगों को जागने की, सावधान होने की जरूरत है, और सावधान हो करके अपने को पूरा का पूरा हम संभालें। अपने तन मन वचन, इन तीनों पर संयम करें, और ऐसा जीवन जिए, ऐसा व्यवहार करें, ऐसा काम करें जिससे हमारे मन में हर समय शांति, प्रसन्नता, संतोष बना रहे और दूसरों की सेवा होती रहे। इसी में जीवन की सफलता है, और इसी के लिए जीवन मिला है। आगे कल इन विषयों पर अनेक ढंग से और हम संतों के विचार सुनेंगे। अभी अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ।